कॉलेज में चल रही 72वीं जनपदीय शैक्षिक युवा क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसमें सभी स्कूली बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें विजय खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडलीय उप शिक्षा निदेशक ज्योति सिंह द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंडल उप शिक्षा निदेशक का कहना है कि बच्चों की खेल में रुचि बढ़ रही है और बच्चे खेल के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। रुचि के साथ साथ बच्चों को सुबह उठकर योग, रनिंग, इन सब चीजों को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका शरीर फिट रहता है। और साथ में उनके टीम के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य मैडम, सभी व्यायाम शिक्षक और खेल को संपन्न बनाने में जो लोग भी किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं, सभी सम्मान के पात्र हैं और मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय जो खेल है, ये जिस तरह व्यवसायीकरण हुआ है, उस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे इस क्षेत्र में भी अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जरूरी इस बात की है कि हम हमारा शरीर कितना मजबूत है, कितना व्यायाम हम करते हैं, कितनी प्रैक्टिस रोज करते हैं, तभी हम किसी चैलेंज को स्वीकार करके उसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे जो हमारे जनपद के गृह विद्यालय से आज आए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया है। जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। वो अपने मंडल पर जाकर अपने विद्यालय का और अपने जनपद का नाम रोशन करें, और जो बच्चे आज कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो तो बच्चे भी मायूस ना हो और मेहनत करें और अगले साल पुनः इस प्रतियोगिता में अपना स्थान प्राप्त करें। उनके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोशिश की, प्रयास तो किया कम से कम दौड़ लगाने का। ये बात अलग है कि वो पिछड़ गए, पुनः प्रयास करें और जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी हमें सफलता निश्चित मिलेगी। एक जब रियो ओलंपिक में नेहवाल वहाँ खेलने गई थी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब वहाँ खेलने गई थी तो उनके मन में बिल्कुल भी विचार नहीं था कि उन्हें कोई मेडल प्राप्त होगा। बस एक ही था कि वो जो भी खेलें या जो भी अपनी जो भी प्रयास करें वो 100% करें, सफलता उसके बाद निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जो खेल में प्रतिभा कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आयोजन मंडलों को बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है और सभी सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद।